Hi guys. Hi, I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. So, after a long time, and ऐसा लग रहा है ना कम बैक दे रहा है क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था ना वो रिचा के साथ किया था एंड आई थिंक इट वॉज लाइक काफी दिन हो गए ना उसको एक वीक प्लस लाइक मिनिमम तो ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद हम वापस अपने चैनल पे आए एंड कमिंग अप विद दिस वीडियो जो इतना आए हैं आना पड़ा है हमें क्योंकि इतना कमेंट्स आ रहा है उसका या ऑनेस्टली ये वीडियो आई नो जब ये वीडियो आया था जिस दिन आया था उससे पहले ही आई थिंक कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके थे कि यू नो मौला जट का लेटेस्ट ट्रेलर आ चुका है द वीडियो द मूवी इज कमिंग सून आई थिंक October 13 सम व्हाट डेट है तो इतने कमेंट्स एंड वी वर लाइक यू नो देयर वर मेजर लाइक बहुत सारे रीजंस थे इतना जल्दी नहीं करने का वन वाज रिचा इज नॉट हियर पिछले एक हफ्ते से और अभी आई थिंक 3-4 दिन और बाकी है उसको आने में तो वी थॉट कि वो आएगी उसके बाद लेट्स डू इट टुगेदर बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबॉडी सबको यही चाहिए कि हम सब तीनों साथ में बैठ के करें तो रिचा हमारे बीच में नहीं है हमारे वो है लेकिन है अभी नहीं है एंड रीजन नंबर टू फिर इसकी तबीयत खराब हो गई उसके बाद ये ठीक हुआ दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो हाँ ये बीच के पूरे दिन भूल गया था मैं ये तू कैसे रिएक्ट किया बोला तो हाँ इसकी तबीयत खराब थी फिर मेरी हो गई यहाँ पे सबकी तबीयत खराब हो रही है हाँ एक्चुअली द वेदर इट इज वेरी बैड मतलब बारिश एंड ऑल सब कुछ एक साथ है तो हमने बहुत सोचा कि क्या करें रिचा का वेट करें नहीं करें एंड देन वी थॉट कि इतने कॉमेंट्स आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतने कॉमेंट्स एक साथ आए होंगे आई थिंक बहुत पहले की बात थी जब पूरी यूनिटी में एक ही कॉमेंट आता था उसके बाद तो लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हाँ लोग कमेंट्स करते भी है तो भी इट इज मोर लाइक यू नो इंडिविजुअल कॉमेंट्स की इस पे करो ऐसा झुंड नहीं आता है पहले आते थे झुंड तो पूरे एंड इस बार तो देख के एकदम पुरानी याद आ गई कि एक ही साथ लाइक इवन बिफोर रिलीजिंग ये इतने कमेंट्स किए ना क्योंकि एक तो रीजन ये भी होगा कि हमने बहुत रिसेंटली ट्रेलर पे रिएक्शन दिया है तो लोगों को बहुत फ्रेश होगा कि हाँ हमने भी देखा है और थैंकफुली हमने थोड़े से दिन पहले देख लिया वरना हमारे लिए बहुत ऐसा होता है कि अरे अचानक से क्या हो गया मतलब ये मूवी के लिए इतने रिकमेंडेशन क्यों आ रहे तो हाँ फर्स्ट रिचा आज क्या डेट है आज 19th है रिचा आ रही है मंडे को 22nd को रिचा यहाँ पे पहुंच जाएगी और आप लोग को ये वीडियो मोस्टली कल दिखेगा 20th को तो हाँ मतलब रिचा मिस नहीं करेगी डोंट वरी मेरे दिमाग में बहुत अच्छा प्लान है नहीं जानना नहीं है मुझे हाँ तो प्लान ये मतलब बहुत सारे लोग सिंस कमेंट्स करने वाले हैं कि रिचा नहीं है रिचा वापस दो बार डालेंगे सेम वीडियो थोड़ी डालेंगे रिचा आएगी तो हम वापस उसके साथ बैठ के रिएक्शन दे देंगे नहीं भाई रिएक्शन दे देंगे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्यों मतलब ऑब्वियसली रिकॉर्ड करेंगे तो ये वीडियो वापस डिलीट होगा फिर हो जाएगा नहीं तो ये तो हमने रिएक्शन दिया है ना अच्छा दो मतलब सिंस लोगों को जैसे हमने आई थिंक रिचा को देखना है क्या आपको बताओ इतना इम्पोर्टेंस देना है उसको आई एम श्योर आप लोग को चाहिए होगा ना सब देखे तो इसलिए अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आवाज लेकर सोच रही थी कि रिचा के साथ क्या करेंगे फिर मतलब वापस सेम रिएक्शन ऐसे कर लेंगे तू और वो बैठ जाना और रिएक्शन देना ऐसी कोई बात नहीं है तू और वो बैठ जाना क्योंकि सिंस हम दोनों ने देख रखा है बट आई एम श्योर ये जैसा टाइप का कॉन्टेंट है बहुत इस चीज को तो आई थिंक बहुत बार देख सकते हैं क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम भी ट्रेलर पे रिएक्शन दिया था तब भी बहुत फैसिनेटिंग है ना आई थिंक जैसे मैंने उसके बाद कमेंट्स पढ़े ना आई वाज मिसमराइज्ड आई वाज लाइक इतने उसके बारे में लोगों ने हमें स्टोरीज बताई है वो उसको क्यों अभी तक उसको क्यों रोका गया वो बताया आई थिंक लोगों ने हमें सब कुछ बता दिया इस मूवी के बारे में जो बहुत और ज्यादा यूनिक अलग फील्स है और स्पेशली ऐसे टाइप का कंटेंट जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करता मतलब कम्प्लीटली इट इज तो फिर इतना बज होना ही है हाँ एंड ये देख के बहुत अच्छा ऐसे टाइप के कंटेंट्स में वाइब होती है लेकिन यू नो जैसे इसको देख के इसका हर चीज इसका जितना हमने ट्रेलर देखा इसका सेट इसकी कास्ट आई थिंक एवरीथिंग इन लोगों ने सब कुछ टॉप नॉच लिया है मतलब यू नो हर चीज वैसा रखा है इंटेंसिटी इस ट्रेलर की बहुत हाई थी तो ऐसा लग रहा हम वीडियो देख के फ्री एक्शन दे रहे कोई बात ऐसा नहीं लग रहा मतलब इतना बोल रही हूँ मैं तो हाँ ठीक है गाइस अभी सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं लेटेस्ट वीडियो और उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे 2022 द लेजेंड ऑफ मौला जट 2022 ऑफिशियल ट्रेलर अभी स्टार्ट
देने से पता कि इस गाड़ी का अंजाम ये होगा। इनसे पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड की मौत लेके आई हूं। पक नत्ता ने रवायत के मुताबिक किसे जवान ते अथरे नत्त दे सिर ते रख दित्ती जाए ते जा जाके नूरी नू कैदखाने चो बांध लिया। वे एक बेले च दो शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च दो बब्बर शेर नहीं रह सकते। ओ कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट्ट दा पुत्र सरदार जट्ट दा इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए। पहली बारी रत ते सामने एक शेर आया है। तू चंगी तरह जानना तू कितना पंगा लेता है, ऐसे रे मौत दे कुएं आले पहलवान नहीं। मौला मरण को चलिया को कोई ऐसे मैदान दा फैसला ते हुन मौला ही कर सकदा है। जिस सफर ते मैं जान लगा तेरे तो इन्ना दूर हो जाऊंगा जिन्हें तेरे तो ये तारे दूर ने। सरदारी दी पग सिर्फ ओदे सिर दे आ सकती है जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे। ते ओ इस पंजाबे चेक किए मैं तेरे किट्टे तो लेके गाटे तक एन टूटे करांगा कि कबर तक पहुंचते तेनु अपनी मां दी इको आवाज आएगी। जित सिर झुका के माफी मंगने आने दी नहीं, सिर उठा के खजाने आने दी होनी है। इस तेरी जित मैं अपनी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। मुझे पता नहीं है कि जो हमने पहले ट्रेलर देखा था उससे अच्छा था कि नहीं, लेकिन ये तो देख के ऐसा लग रहा है ये बहुत अलग लेवल है। लाइक आई थिंक अभी तक हम एक साल हो गया हमें रिएक्शन देते हुए, लेकिन ऐसा टाइप का आज तक नहीं देखा। आज इतना क्लास, इतना इसके सेट, इसका एवरीथिंग हमें मुंह पे इसके फाइटिंग सीन्स भी ना मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा मैच करेंगे अपन ये इतरुल वाले वो मैच करेंगे। हमने ट्रेलर के टाइम भी बातें और जितना अब तक दिख रहा है बहुत ही क्लियर है, ऐसा नहीं है कि वो दूर से हाथ निकल रहा है पता चल रहा है, बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही क्लीन है यार इसमें तो। अब मैं ना मतलब मैं पूरा ऐसे हो गई, मतलब आई डोंट गेट द करेक्ट वर्ड्स ऐसे टाइम पे, यू नो द टेंट द इंटेंसिटी, मतलब मुझे इंटेंसिटी वर्ड को मन कर रहा ना कहीं ऐसा लिख के रख दूं, मतलब यू नो इस चीज के लिए आई थिंक द परफेक्ट वर्ड। ये लोग के फेस पे, ये लोग के सेट में हर जगह जो केमिस्ट्री है, जो इंटेंसिटी दिखाई है, जो टेंट सही बोला वो एक वो आई नो अलग डार्क वाला एक अलग अलग सा टेंट रखा है, बहुत मस्त लग रहा है यार। वो डार्क भी दिखा रहा है इस चीज को, लाइक यू नो जॉनर वाइज एक डार्कनेस दिखा रहा है, लेकिन साथ में स्पेशली इस ट्रेलर में हमें बहुत अलग अलग चीजें देखने मिली। फर्स्ट थिंग इज इमोशंस, रिलेशंस थोड़े बहुत देखने मिले, इन लोग के डायलॉग ज्यादा सुनने मिले कंपैरेटिवली लास्ट ट्रेलर से। इसके अंदर ज्यादा एक कनेक्टिविटी फील हो गई क्योंकि हमें दिख रहा है क्या चल रहा है, लाइक यू नो क्लियरली, क्योंकि वर्ड से बताया जा रहा है कि हाँ ये दुश्मन बब्बर शेर एंड ऑल दो कुछ आई थिंक हार्डली 0.1% वर्ड्स थोड़े छुट गए होंगे बिकॉज ऑफ पंजाबी एक्सेंट, और भाई पंजाबी वर्ड्स भी थे ना इसमें, थोड़ा सा बैरियर आ सकता है अपने लिए हल्का सा, मतलब इतना डीपली अपने को नहीं समझेगा, हो सकता है बट मोस्टली इट वाज वेरी समझ जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड वाली लैंग्वेज थी। द एक्टिंग इट इज सो गुड, द अदर द सेकंड फीमेल लीड उनका नाम आई थिंक हुमैमा होगा क्योंकि यहाँ पे सिंस क्रेडिट्स में उनका नाम है वहाँ पे,
उनको देख के हमने उनको देखा है, लेकिन अब मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा हमने उनको कहाँ देखा, बट शी इज सो प्रिटी. वो कम्प्लीटली माहिरा को टक्कर दे रही है. एंड माहिरा को हमने लास्ट वाले में भी काफी हद तक देखा था, उस टाइम भी ऐसे थे. बट माहिरा हैज दिस पर्सनालिटी, यू नो, एक यू नो एक वजन होता है कुछ लोगों में, यू अंडरस्टैंड, मतलब हाँ दिस इज व्हाट. तो माहिरा को लेकर ना बहुत सही किया है, मतलब पता नहीं कास्ट जहाँ तक दिख रही है. इनका नाम हमजा अब्बासी, ही इज सो गुड. मतलब क्योंकि यू नो फवाद माहिरा उनको हमने देखा है, उनको हमने एक्टिंग देखा है, उनको हमने हर वे में देखा है, तो उनको हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये लोग कितने अच्छे एक्टर्स हैं, ये लोग क्या है क्या है. दो फवाद एंड माहिरा ने हर बार जैसे अपने आप को यहाँ पे भी इतना अच्छे से प्रूव किया, जैसे हमने ट्रेलर में बात करी, ये लोग लग ही नहीं रहे ये लोग वो लोग हैं जिनको हम ऐसे देखते हैं, मतलब यू नो सच में यार ये कुछ अलग ही बन के निकले यार इधर से तो. एंड जो भी सपोर्टिंग कास्ट एंड ऑल थे, जो सेट था, जो सीन्स था, जो सीरीज ऑफ सीन्स थे, छोटे छोटे प्लेसमेंट्स में बहुत प्यारी तरीके से प्लेस किया था, एग्जीक्यूशन बहुत नेक्स्ट लेवल. आई थिंक मुझे इतनी सारी बातें करनी है ना इस चीज के बारे में, इतनी सारी ये मूवी पे रिएक्ट करते हैं अपन तो 10-10 मिनट के चंक में करेंगे अपन, 15-15 मिनट के वीडियो निकलेंगे. आई थिंक पता नहीं अब इतना क्यूरियोसिटी मुझे कौन से मूवी के लिए रहा होगा लास्ट, लेकिन इस मूवी के लिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी, आई डोंट नो व्हाई. इस पे रिएक्ट करेंगे हम 2.0 पे, लाइक किया तो जाओ सब्सक्राइब. अभी बहुत सारी बातें करनी है, ऑनेस्टली मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आई एम गोइंग टू सेव इट ऑल. रिचा को आने दो, अगेन रिएक्शन उसके साथ बैठना पड़ेगा ही, उसके साथ फिर हम बाकी की बातें करेंगे. सो थैंक यू गाइस, द वीडियो वाज सुपर्ब, अलग लेवल है, क्या ही बोले, मतलब ऐसा लग रहा है आउट ऑफ वर्ड्स है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर.